इसमें नहाने का मजा ही कुछ और होगा। ये देखो तुम्हें ही पकड़ ली है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका इस नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों इस बार फिर मैं आपको गांव की लाइफ दिखाने वाला हूं इस वीडियो में। तो दिखाता हूं आपको कि गांव में कैसे फसल होती है और कैसे है। ये है हमारे गांव का ट्यूबवेल, यहां पर हम नहाने आते थे। यहां से खेतों में पानी भी जाता है। धूप आ रही है तो सब मोड़ ने कहा गया तो ये काम है जाए वो खेत पे। हां तो सब पुलिस वाले झट ले जाते। धूप आ रही कोई वो तो नई दुनिया में जीने लगे हैं। दशेंद्र का फेस थोड़ा कालो आ रहा है। सारा वही ने कहा है यहाँ पर हमने किया थोड़ा सा काम, उसके बाद थोड़ा सा आलू गाड़े। तो जो हमने लाइन बनाई है इसमें आलू रखे हैं, उसके बाद इस पर मिट्टी चढ़ाएंगे। छोटे खेतों में कुछ इस तरीके से आलू बोए जाते हैं। ये है हमारे भाभी लोग और उनकी बहन। ये मेरा कजिन, इसने दुमही पकड़ लिया। इसको दुमही और या फिर दो मुहा सांप भी बोलते हैं। ये देखो दुमही पकड़ ली है बाजरा के खेत में। कैसे ना करो, थोड़ी देर बात करूंगा। ठीक है, अगर खेत बड़ा होता है, इसमें ट्रैक्टर चलने की जगह नहीं है इसलिए हाथों से गाड़े जा रहे हैं ये आलू। अगर बड़ा खेत होता है तो फिर ट्रैक्टर से बोए जाते हैं और उसके बाद 5-6 महीने बाद फिर फसल जाके तैयार हो पाती है। अगर आप रोड की साइड से आते हैं तो ये इस तरीके से हमारे गांव में एंट्री होती है। ये है मेरा गांव। तो गांव की लाइफ काफ़ी मज़ेदार होती है, इंटरेस्टिंग होती है। अब मैं भी अपने गांव में हूँ। पहले ही इस साइड के ये मकान बने हुए नहीं थे, अभी बन चुके हैं। पहले नहीं थे, अगर 7-8 साल पहले की बात करूँ तो ये भी नए नए बने हुए हैं। केवल इसी साइड में थे, इस साइड के अभी सारे बने हुए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रॉपर लाइट आने लगी है अभी गाँव में। हाँ, हमारे टाइम पर तो लाइट नहीं आती थी। हाँ, 7-8 घंटे लाइट आती थी, अब वो भी कोई टाइम नहीं था। अभी लगभग 18 से 20 घंटे लाइट आ जाती है। हमारे साइड में है मेरा घर और ये है मेरे गांव की गली। तो अभी चलते हैं गांव की तरफ। मैं अपना गांव दिखाता हूँ, मैं पूरा गांव तो नहीं दिखाऊंगा, आधा गांव दिखाऊंगा। तो ये इस साइड में ये वाला जो मकान बना है ये भी नया ही बना हुआ, पहले नहीं था। और ये इस जगह पर काफ़ी नीचा था और सामने भी लोगों ने मकान बना लिया। और ये इस साइड में देख रहे हैं ये भी सब नए बने हुए हैं, अभी पहले नहीं था कुछ भी। तो अभी दिन का समय, लोग अपने अपने काम पर चले गए तो ज़्यादा लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं अभी। ये जो गली आप देख रहे हैं ना, काफ़ी छोटी गली है, मतलब इसमें अगर आप एक बाइक या एक साइकिल लेके चले जाओ ना तो फिर दिक्कत होती है दूसरे वाले को। मतलब एक साइड से ही आप जा सकते हैं, केवल एक बाइक ही जा सकती है इसमें। आप देख सकते हैं काफ़ी छोटी गली है ये। तो जो मेरे घर का डोर है ना, दोनों साइड में, इस गली में भी है और बड़ी वाली गली में भी है। और ये आप देख सकते हैं नज़ारा मेरे गांव का। ये मैंने क्लिप ली है, वो ली है छत से। तो मेरा गांव कुछ इस तरीके से काफ़ी सुंदर दिखता है। लोगों ने पानी की टंकी भी लगा रखी है। पहले पानी वगैरह की टंकी वगैरह कोई नहीं रखता था, अभी लोग टंकी वगैरह रखते हैं क्योंकि अभी तो पानी आने की व्यवस्था भी हो गई है। पूरी पंचायत में पानी जाया करेगा, टंकी भर रही है पिदौरा। अभी हम जा रहे हैं खेतों की तरफ। तो ये है पिदौरा, ये था मेरा स्कूल लेफ्ट साइड में, यहाँ से हमने प्राथमिक एजुकेशन ली थी ये वाला।
और ये फेस्टिवल का समय है तो यहाँ मिठाई बेची जा रही है। हमने पिदौरा क्रॉस कर दिया है। पर थे बाग जो कि अभी थोड़े कम हो गए, पहले काफ़ी पेड़ थे, अभी काटे जा चुके हैं। काफ़ी पुराना बाग था, आम का बगीचा। तो आप जैसे ये देख रहे हैं, ये है नाला पीछे, इसको बम्बा भी बोलते हैं। तो ये एक्चुअली नहर में से कट के आता है पानी। तो अभी तो ये सूखा पड़ा है, जब इसमें पानी होता है तो खेतों में पानी जाता है। तो हमारा खेत यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर होगा। तो हम लोग मोस्टली रात में आते थे पानी लगाने के लिए खेतों में। रात में आने का एक रीज़न था, क्योंकि दिन में जाते थे ना लोग अपने अपने खेतों में काट लेते थे। अगर रात में तुम पानी लगा रहे हो ना, कोई काटने वाला नहीं होता था, तो खेत आराम से एक रात में भर जाता था। और क्योंकि दूर था तो आराम से पानी की रफ्तार भी अच्छी होती थी, तो आराम से खेत भर जाता था। नहर और बम्बा का पानी खेतों के लिए अच्छा माना जाता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ से। और ये सस्ता भी पड़ता है, क्योंकि ट्यूबवेल का पानी जो होता है वो बिल्कुल प्योर होता है, और ये वाला पानी है सस्ता भी पड़ जाता है। लगभग 100 रुपये जाते थे साल के, ऐसे कुछ जाता होगा, मुझे याद भी नहीं है। तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता था। अभी आपको ये दिखेगा नहीं, क्योंकि पूरा लगभग बंद सा पड़ा है, काफ़ी गंदा हो रहा है, क्योंकि अभी पानी नहीं है तो लोग साफ़ भी नहीं करते हैं। जब उस टाइम पर साफ़ कर देते हैं जब पानी आता है। तो जैसे ही आप देख रहे हैं बाग वगैरह, और रात के समय में मान लो कि 12 बजे आ रहे हो या 2 बजे आ रहे हो, काफ़ी डर लगता था। तो किसानों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है पानी वगैरह के लिए या फसल उगाने के लिए, और डर वगैरह को दूर करके फिर आना पड़ता है। और ये है बम्बा, यहाँ पर थोड़ा सा पानी है, आप देख सकते हैं। और ये है बाग। जो बड़े खेत होते हैं उसमें ट्रैक्टर से आलू बोए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था। और यहाँ पर धान की फसलों को काटा जा रहा है, कुछ लोगों ने काट लिए तो वो धान को कूट रहे हैं। हाँ, तो इसी खेत का मैं बता रहा था, इतनी दूर तक हम उस बम्बा का पानी यहाँ तक लेके आते थे। तो ये इस साइड अभी सारे धान पक चुके हैं, तो अभी कटाई चल रही है। कुछ लोग काट रहे हैं, कुछ लोग इनको झाड़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये रोड पर गड्ढा खोदा गया है मशीन से, और ये जो पाइप पड़े हुए हैं ना सामने, उनको इसमें डाला जाएगा और खेतों में पानी इसी से जाएगा। तो उसी के लिए ये गड्ढा किया गया है।